नगर पंचायत पखांजूर में हो रही भ्रष्टाचार और कार्य में हो रही अनियमितता को लेकर आज नगर पंचायत कार्यालय के बाहर भाजपा पार्षद और हितग्राही द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। भाजपा पार्षद द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का भुगतान नहीं किया जा रहा, साथ ही नगर पंचायत के सभी कार्य को किसी एक ठेकेदार को देना नगर पंचायत की सांठगांठ दिखाई देता है। नगर पंचायत की मिलीभगत के कारण निर्माण कार्य में गुणवत्ताहीन कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर आज भाजपा पार्षद और हितग्राही द्वारा SDM को ज्ञापन दिया गया। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से पल्लव मंडल की रिपोर्ट। पखांजूर नगर पंचायत की जो गरीबों के लिए प्रधानमंत्री का योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, इस महत्वाकांक्षी योजना को सरकार द्वारा राशि प्रदान करने के बाद भी हितग्राही को भुगतान नहीं करना। दूसरी बात है, कम से कम 300-400 DPR बन के पड़ा हुआ है, जिनको घर देना है उनको भी घर नहीं दे रहा है। तीसरा है कि नगर पंचायत की एक ही ठेकेदार वरुण मंडल के नाम पे सारी कार्य देकर उनके भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इस भ्रष्टाचार के विरोध में हम लोग आज धरना प्रदर्शन। किसको दोषी मानते हो इसमें? नगर पंचायत अध्यक्ष और CMO। नगर पंचायत में कुछ अनियमितता है, उसको लेकर के उनके द्वारा ज्ञापन दी गई और उसमें विधिवत जांच की जाएगी। जांच करने के बाद ही उसमें उचित कार्रवाई। सर, इसमें एक बड़ा सवाल आ रहा है कि एक ही ठेकेदार को काम दिया जा रहा है। वो टेंडर प्रोसेस सब टेंडर प्रोसेस के हिसाब से होता है, उसमें जो टेंडर भरते हैं उनको ही मिलता है। भाजपा द्वारा आरोप लगाया गया कि किसी एक ही व्यक्ति को बार बार टेंडर देना, इसमें मिली भगत बताया जा रहा है नगर पंचायत। उसमें टेंडर में जो भरते उन्हीं को ही मिलेगा, बाकी लोग नहीं भरे होंगे। जो नाम से आते हैं उसके हिसाब से।